अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात की जाए तो ये सिनेमैटिक यूनिवर्स खासकर हमें पहले हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई देते थे, लेकिन इंडिया अब काफी आगे हो चुका है तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी काफी बड़े बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये सिनेमैटिक यूनिवर्स में कौन कौन सी फिल्में आने वाली है उन सबको जानने के लिए आप कारोबार की तरह एक छोटा सा ही काम करना होगा। वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिएगा, चैनल सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए आए तो। दोस्तों फर्स्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करेंगे तो वो होने वाला हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जो होने वाला दिनेश विजन के इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 2018 में स्त्री फिल्म से, जो कि ब्लॉकबस्टर रही थी, जिसके लीड रोल में आपको राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर नजर आए थे। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कहानी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई, जिस वजह से उन्होंने एक और फिल्म बनाई 2021 में जो थी रूही, और यह फिल्म भी ठीक ठाक चली, जिसके लीड रोल में आपको राजकुमार राव और साथ में जाह्नवी कपूर नजर आए थे। लेकिन उसके बाद इनकी तीसरी फिल्म आती है भेड़िया 2022 के अंदर। यह फिल्म देखो एवरेज रही बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन कॉन्सेप्ट लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। तो अब इनकी आने वाली है कुछ और फिल्में जिनका ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। तो पहली फिल्म है स्त्री 2, जो कि हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, और इस फिल्म को डायरेक्शन अमर कौशिकी देंगे, जिन्होंने पहली वाली स्त्री को दिया था। तो इसके लीड रोल में आपको वही कास्ट दिखाई देने वाली है, यानी कि राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और साथ में पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार फिर दिखाई देंगे, जिस फिल्म की शूटिंग हाल फिलहाल में यानी कि 2023 में स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म को 31 अगस्त 2024 में रिलीज किया जाने वाला है। दोस्तों कह रहे चलते हैं यहां से कोई ऐसी जगह जहां पे मर सुरक्षित हो। वहीं पर दूसरी फिल्म जो होने वाली है वो होने वाली है वैम्पायर ऑफ विजयनगर, जो भी हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी, जिस फिल्म को डायरेक्शन भी अमर कौशिकी देने वाले। इस फिल्म के लीड रोल में आपको आयुष्मान खुराना और समांतर रूथ प्रभु दिखाई देने वाली है, और इस फिल्म की जो शूटिंग है वो 2023 के लास्ट से स्टार्ट होने वाली, क्योंकि इस फिल्म को जो रिलीज किया जाना है वो 2024 के लास्ट में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों वहीं बात करेंगे नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है भेड़िया 2, और इसका भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है, और इस फिल्म को डायरेक्शन अमर कौशिकी देंगे, जिन्होंने भेड़िया 1 को दिया, स्त्री को दिया, यानी कि सारी फिल्म डायरेक्ट अब अमर कौशिकी करने वाले, क्योंकि भाई उनका डायरेक्शन काफी कमाल धमाल बवाल होता है। तो इस फिल्म के लिए रोल में आपको वरुण धवन फिर से नजर आएंगे, जो कि भेड़िया बनते हुए नजर आने वाले, जिस फिल्म का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। इस फिल्म को जो रिलीज किया जाएगा वो थोड़ा लेट रिलीज किया जाएगा, यानी कि ये फिल्म 2025 के एंड में देखने को मिल पाएगी। तो यार इसका तो मुझे काफी ज्यादा इंतजार है। वही बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है मुंजा को भी डायरेक्शन अमर कौशिकी दे रहे हैं, जिसके लीड रोल में आपको संजना सांगी नजर आने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म के अंदर आपको सावेरी वार्ग दिखाई देने वाली है, और ये फिल्म प्रीक्वल होने वाला है स्त्री का, जिसमें दिखाया जाएगा स्त्री कैसे बनी, क्या कुछ हुआ था उसके साथ, यानी कि उसी का पास्ट इसमें दिखाया जाएगा, जिस फिल्म की शूटिंग 2025 में स्टार्ट होगी और फिल्म 2026 में आएगी, यानी कि इसके लिए काफी टाइम है भी। दोस्तों वही बात करूं नेक्स्ट यूनिवर्स की जो होने वाला है कॉप यूनिवर्स, जो कि रोहित शेट्टी का एक बेहतरीन यूनिवर्स है, जिसकी हर एक फिल्म कमाल धमाल बवाल रही है। जहां पर शुरुआत हुई थी कॉप यूनिवर्स की 2011 में आई सिंगम फिल्म से, अजय देवगन का एक पंच यानी कि अथामाजी सटकली, जो हर किसी को छाया था और कौन सा फिल्म का लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। वहीं पर उनकी दूसरी फिल्म आई सिंगम रिटर्न, और ये फिल्म भी काफी बेहतरीन धमाकेदार रही थी, जिसके लिए रोल में फिर से आपको अजय देवगन नजर आए थे, लेकिन अब करीना कपूर आ गई थी। वहीं पर इनकी नेक्स्ट फिल्म आई सिम्बा, जो कि 2018 में ब्लॉकबस्टर फिल्म रही, जिसके लिए रोल में आपको रणवीर सिंह और सारा अली खान दिखाई दिए थे, और रोहित शेट्टी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी। उसके बाद 2021 में आती है सूर्यवंशी, जो कि कमाल बवाल रही, जिसके लिए रोल में आपको अक्षय कुमार नजर आए थे और साथ में कटरीना कैफ, और साथ में कैमियो अपीयरेंस इस फिल्म के अंदर दिया था अजय देवगन और रणवीर सिंह ने, और ये फिल्म भी कमाल रही थी बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन अब कौन कौन सी फिल्में आने वाली है रोहित शेट्टी के इस कॉप यूनिवर्स में उसकी बारी है। बात करें फर्स्ट जो होने वाली है इंडियन पुलिस फोर्स, जो की एक फिल्म नहीं एक बेहतरीन कॉप एक्शन थ्रिलर सीरीज होने वाली है, जिस सीरीज को डायरेक्शन रोहित शेट्टी ही देंगे, जिसके लीड रोल में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी, विवेक ओबरॉय जैसे कलाकार नजर आएंगे, और ये तीनों के तीनों ही कॉप होने वाले। इस सीरीज की जो शूटिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो, जिसे रिलीज यानी कि स्ट्रीम किया जाना Amazon Prime पे, जो आपको दिवाली 2023 में देखने को मिलने वाली है 8 एपिसोडों के साथ। दोस्तों यार वही बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है सिंगम अगेन, जो कि कॉप एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन रोहित शेट्टी देंगे, जिन्होंने सिंगम के दो पार्टों को बनाया। तो इस फिल्म के लीड रोल में आपको अजय देवगन, दीपिका पादुकोण और साथ में करीना कपूर भी दिखाई देने वाली है। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको इसमें जैकी श्रॉफ दिखाई देने वाले, जो इसके अंदर विलन का किरदार निभाएंगे, और इस फिल्म का जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो सूर्यवंशी में हो गया था, जहां पर अजय देवगन यानी कि सिंगम जाएगा उमर हाफिज को सबक सिखाने। ये सब दिखाया जाएगा इस फिल्म के अंदर, जिस फिल्म को दिवाली 2024 में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इसकी ऑफिशियली रिलीज डेट आ चुकी है, जो है 15 अगस्त 2024। दोस्तों
वहीं बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है सिम्बा 2। सिम्बा 2 एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन देंगे रोहित शेट्टी ही, जिसकी शूटिंग यानी कि सिंघम अगेन के बाद स्टार्ट होने वाली है, जिसके लीड रोल में आपको फिर से नजर आएंगे रणवीर सिंह और सारा अली खान। क्योंकि आप तो जानते हैं इस फिल्म की कहानी खत्म नहीं हुई थी, कहानी भी बची हुई है और ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी बचा हुआ है जो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जानता है सिम्बा 2 आने वाली है। क्योंकि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का सिक्वल ना बनाए रोहित, ऐसा हो सकता है। तो भाई ये फिल्म आएगी जिस फिल्म को 2025 में रिलीज किया जाएगा। देन उसके बाद सूर्यवंशी भी लाने वाले हैं रोहित, जिसके लिए आपको काफी सारा वेट करना होगा, क्योंकि इस फिल्म का जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो ही 2 साल बाद होगा। तो फिल्म की रिलीज डेट हम क्या बताएं दोस्तों। लेकिन वही बात करने वाले नेक्स्ट यूनिवर्स की जो होने वाला है प्रशांत वर्मा का सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स। जी हां दोस्तों, जिसकी पहली फिल्म आने वाली है हनुमान। हनुमान एक सुपरनैचुरल एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में यह फिल्म बनाई जाएगी, जिसके लीड रोल में आपको तेजा सज्जा, अमृता अय्यर, वल्लक्ष्मी शरद कुमार जैसे कलाकार दिखाई देंगे। इस फिल्म का टीजर आ चुका और फिल्म भी 12 मई को आने वाली थी, लेकिन पोस्टपोन होगी क्योंकि इसका VFX वर्क ही कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इस फिल्म को इसी साल यानी कि 2023 में रिलीज किया जाएगा, जो फिल्म आपको पैन वर्ल्ड रिलीज होती हुई नजर आएगी। यानी कि ये फिल्म तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी में तो आएगी, लेकिन इंग्लिश, जापानी, कोरियन और भी कुछ भाषाओं में रिलीज की जानी है, टोटल 10 भाषाओं में दोस्तों। लेकिन वही बात करूं इनकी दूसरी जो फिल्म है वो है अधीरा, जो कि सुपर हीरो एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन प्रशांत वर्मा ही देंगे। इसके लीड रोल में आपको कल्याण दशहरी नजर आने वाले, जो इसके अंदर अधीरा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, जो गरीबों की करेंगे मदद और दुश्मनों पर करेंगे प्रहार। और इस फिल्म की जो शूटिंग है वो अभी यानी कि 2023 में स्टार्ट की जाने वाली, क्योंकि इस फिल्म को 2024 के लास्ट में रिलीज किया जाएगा और ये भी पैन इंडिया रिलीज होगी दोस्तों। नेक्स्ट यूनिवर्स की जो होने वाला है लोकेश कनराज का यूनिवर्स, जिसकी शुरुआत हुई थी कैथी फिल्म से, जो कि 2019 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म रही, जिसके लीड रोल में आपको कार्ती नजर आए थे। और ये फिल्म देखो भाई साहब, मेरे हिसाब से एक्शन में भरपूर थी और फिल्म का कॉन्सेप्ट भी काफी जबरदस्त था। देन उसके बाद इनकी आती है विक्रम 2, जिसे आप विक्रम कह सकते हो, जो कि 2022 में आई और ब्लॉकबस्टर रही, जिसके लीड रोल में आपको कमल हसन नजर आए, साथ में सूर्या भी दिखाई दिए थे लास्ट के अंदर, साथ ही साथ आपको विजय सेतुपति और फहद फासिल जैसे कलाकार तो नजर ही आए होंगे। तो ये फिल्म भी भाई बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर रही। उसके बाद अब इनकी कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं लोकेश कनराज यूनिवर्स में। तो फर्स्ट फिल्म होने वाली है लियो ब्लडी स्वीट, और ये फिल्म देखो काफी बड़ी फिल्म होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म के ना आने से पहले 400 करोड़ के राइड बिक चुके हैं, जिसके लिए रोल में आपको थालापति विजय, संजय दत्त, तिरसा, अर्जुन सज्जा और भी काफी सारे कलाकार दिखाई देने वाले। इस फिल्म की जो शूटिंग है वो हाल फिलहाल में चल रही है, जो जल्द यानी कि 3 महीने में कंप्लीट होने वाली है, जिसमें से अभी तक 30% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इस फिल्म को इसी साल 19 अक्टूबर को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी यानी कि 4 भाषाओं में रिलीज किया जाने वाला है दोस्तों। वहीं पर इनकी नेक्स्ट फिल्म होने वाली है कैथी 2। कैथी 2 एक एक्शन थ्रिल फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन लोकेश कनराज ही देने वाले हैं, जिसके लिए रोल में आपको कार्ती नजर आने वाले हैं फिर से। और इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें कैमियो करते हुए आपको रोलेक्स यानी कि सूर्या भी दिखाई दे सकते हैं। आपको बता दें इस फिल्म की जो शूटिंग है वो स्टार्ट होनी है इसी साल के लास्ट में, जिस फिल्म को 2024 में पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। वहीं पर बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है रोलेक्स की एक अनटाइटल सेपरेट फिल्म, जिसके लीड रोल में आपको सूर्या नजर आएंगे, जो कि रोलेक्स के रोल में आपको दिखाई देंगे, जहां पर आपको रोलेक्स की जर्नी दिखाई देने वाली है। हालांकि इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हर कोई जानता है कि ये फिल्म आएगी जरूर दोस्तों। वहीं बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है भाई साहब रजनीकांत की एक अनटाइटल फिल्म, जिस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं लोकेश कनराज, जिसके लीड रोल में आपको रजनीकांत नजर आएंगे। और आपको बता दूं खास बात यह कि ये भी यार लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स का पार्ट हो सकती है, हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन हर किसी को पता है कि भाई होने ही वाली है, जिस हिसाब से लोकेश कनराज अपनी फिल्मों को बना रहे हैं और सारी फिल्में उनके ना सिनेमेटिक यूनिवर्स में ही आ रही है। पहले लियो लग रहा था नहीं आएगी, लेकिन अब वो भी आ चुकी है, तो उसी तरीके से ये फिल्म भी आने वाली है, जिस फिल्म की शूटिंग 2025 में स्टार्ट होगी। लगेगी काफी टाइम है इस फिल्म के लिए, तो इस फिल्म के लिए थोड़ा रुको और सबर करो दोस्तों। वहीं बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है विक्रम 3, एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन फिर से लोकेश कनराज देंगे, जिन्होंने विक्रम 2 को यानी कि विक्रम को दिया
किया था। तो इस फिल्म के लीड रोल में आपको नजर आने वाले कमल हसन और सूर्या कार्तिक, यानी कि तीनों ही बड़े सुपरस्टार इसमें दिखाई देने वाले, जहां पर आपको थालापति विजय भी नजर आ सकते हैं। आपको बता दें इस फिल्म की जो शूटिंग है वो भी 2025 के लास्ट से स्टार्ट होगी, जिस फिल्म को 2026 या 27 में काफी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाना है, जिसके लिए आप वेट अभी मत करो, फिलहाल तो आप लियो का करो, कैथी 2 का करो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। बात करूं नेक्स्ट सिनेमेटिक यूनिवर्स की, जो होने वाला है YRF का स्पाई यूनिवर्स, जिसकी शुरुआत हुई थी 2012 में एक था टाइगर से, जिसके लीड रोल में आपको नजर आई थी कटरीना कैफ और सलमान खान। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी बॉक्स ऑफिस पे। देन उसके बाद 2017 में टाइगर जिंदा और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही बॉक्स ऑफिस पे। देन उसके बाद 2019 में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की वॉर, जो की ब्लॉकबस्टर रही। जी हाँ दोस्तों, देन उसके बाद ही पठान, जो भी ब्लॉकबस्टर रही, 1000 करोड़ का कलेक्शन कर गई पठान तो। लेकिन अब कौन कौन सी और फिल्में आने वाली है जो इसी तरह से ब्लॉकबस्टर होने वाली है। तो फर्स्ट फिल्म है टाइगर 3, जिस फिल्म को डायरेक्शन मनीष शर्मा देंगे। इसके लीड रोल में आपको सलमान खान, कैटरीना कैफ तो नजर आएंगे, साथ में इमरान हाशमी और शाहरुख खान का कैमियो होने वाला है काफी बेहतरीन। इस फिल्म को दिवाली 2023 में हिंदी, तमिल, तेलुगु में रिलीज किया जाएगा सिनेमा घरों में। वहीं पर इनकी जो दूसरी फिल्म है वो है वॉर 2, जो कि एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन अयान मुखर्जी दे रहे हैं। इसके लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन जूनियर, NTR नजर आएंगे और इस फिल्म की जो शूटिंग है वो नवंबर 2023 में स्टार्ट होगी, जिस फिल्म को भाई साहब 2024 में रिलीज किया जाएगा सिनेमा घरों में। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म आएगी टाइगर वर्सेस पठान, जिस फिल्म को डायरेक्शन देंगे आनंद ही, यानी कि सिद्धार्थ आनंद की हम बात कर रहे हैं, जिसने पठान को वॉर को दिया है। तो इस फिल्म के लीड रोल में आपको सलमान खान, शाहरुख खान नजर आने वाले हैं। जिस फिल्म का बजट है 300 करोड़, और इस फिल्म की जो कास्ट है ना, यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान अपनी फीस को जोड़ के 300 करोड़ नहीं बता रहे, खाली बजट 300 करोड़ है, यानी कि फिल्म 500 करोड़ से भी ऊपर की है। आपको बता दें इस फिल्म के अंदर सलमान खान और शाहरुख खान का बेहतरीन क्लैश दिखाई देने वाला है, जिसके लिए हर कोई एक्साइटेड होगा मेरे साथ साथ। तो आपको बता दें इस फिल्म की जो शूटिंग है वो जनवरी 2024 में स्टार्ट होगी और फिल्म पैन इंडिया 2025 में। वही बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली स्पाई यूनिवर्स की, एक अनटाइटल्ड वुमन एक्शन थ्रिलर फिल्म, जिसके लीड रोल में आपको दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ दिखाई देने वाली है। और YRF फाइनल कर चुका है कि भाई ये फिल्म भी आनी जरूरी, क्योंकि YRF ना अपने स्पाई यूनिवर्स को काफी ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है, जिस वजह से ये फिल्म भी आने वाली है, जहां पर दीपिका पादुकोण और साथ में कटरीना कैफ दोनों ही भाई पाकिस्तान की ISI की एजेंट रही है, जिस वजह से लगता है कि भाई सब इन दोनों के बीच काफी बेहतरीन क्लैश होने वाला है। शायद दीपिका कटरीना को पकड़े या कटरीना दीपिका को, ये अभी नहीं पता, लेकिन हाँ फिल्म जबरदस्त होने वाली है। वहीं पर स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म की बात करें, जो होने वाली है अनटाइटल फिल्म, जिसके अंदर आपको सारी कास्ट, यानी कि सलमान, शाहरुख, ऋतिक, दीपिका और कटरीना कैफ नजर आने वाला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म को जो बनाया जाना वो 2026 में बनाया जाने वाला है, यानी कि इस फिल्म को आने में भी काफी टाइम है, जिसे पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा दोस्तों। वहीं बात करूं नेक्स्ट यूनिवर्स जो होने वाला है प्रशांत नील का यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स की शुरुआत होती है 2018 में KGF से, जो कि ब्लॉकबस्टर रही, जिसके लीड रोल में आपको यश नजर आए। देन उसके बाद 2022 में, यानी कि 4 साल बाद KGF 2 आई और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई 1250 करोड़ कमा के। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर अब इनकी कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। पहली फिल्म है सलार, गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन प्रशांत नील ही दे रहे हैं। इसके लीड रोल में आपको प्रभास, श्रुति हसन, पृथ्वीराज, सुकुमारन, जगपति बाबू जैसे कलाकार दिखाई देने वाले। जिस फिल्म के अंदर आपको ना रॉकी भाई, यानी कि यस का भी कैमियो दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं फिल्म की शूटिंग जल्दी कंप्लीट होने के बाद इस फिल्म का टीजर भी आने वाला है, जिस फिल्म को 28 सितंबर 2023 को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। और इस फिल्म को दो पार्टों में बनाया जाने वाला है, यानी कि एक पार्ट तो इस साल आ रहा और एक पार्ट अगले साल आएगा या उससे अगले, अभी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ फिल्म दो पार्टों में आ रही है। वहीं बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है बगीरा, कॉप एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं डॉक्टर सूरी, लेकिन इस फिल्म के जो राइटर है वो प्रशांत नील है, जिसके लीड रोल में आपको श्री मुरली नजर आने वाले हैं। और इस फिल्म की जो शूटिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, जिस फिल्म को 2024 की शुरुआत में पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। वहीं बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है NTR 31, जो कि एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन देंगे प्रशांत नील ही, जिस फिल्म के लीड रोल में आपको जूनियर, NTR नजर आएंगे और इसके अंदर आपको भाई साहब कैमियो दिखाई देने वाला है
भास का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म को जो बनाने वाले हैं परसान नील, वो बनाने वाले हैं जैसे सलार की शूटिंग कंप्लीट और एनटीआर अपनी एनटीआर 30 की शूटिंग कंप्लीट करेंगे। इसी साल के एंड तक इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस फिल्म को 2024 के लास्ट में रिलीज करना है दोस्तों। वहीं बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म यानी कि KGF 3, क्योंकि एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। परसान नील इस फिल्म को बनाने वाले हैं, जैसे कि दोनों पार्टों को वो बना चुके, तो लीड रोल में आपको यस रवीना टंडन फिर से नजर आएंगे। जहां पर आपको कहानी दिखाई देने वाली है कि भाई रॉकी भैया कहां थे 1981 तक। जी हां दोस्तों, 1978 से लेकर 1981 तक कहां रहे, 3 साल उन्होंने कहां पर गुजारी, ये सब देखने को मिलेगा इस फिल्म के अंदर, जिस फिल्म को 2026 में फ्लोर पर लाना है। तो आप समझ ही सकते हो फिल्म कितनी देर में आने वाली है, क्योंकि इस फिल्म के लिए हर कोई एक्साइटेड होगा, हर किसी को KGF 3 देखनी है। लेकिन यार डेट काफी ज्यादा आगे बढ़ा दी गई है, जिस वजह से यार इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले पा रहा है। तो यही था वो सिनेमेटिक यूनिवर्स जो कि इंडियन इंडस्ट्री में भी कामयाब हो चुका है और हर एक फिल्म का लोग कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। तो आप कौन से सिनेमेटिक यूनिवर्स के दीवाने हो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।